अब हम बात करें इसके अगले क्रम की, यानी कि विपत्रों के बेचान की। हमने पार्ट वन में देखा था कि कई बार विपत्र का जो लेखक होता है, जो धारक होता है, वो विपत्र का बेचान कर देता है, एंड्रोस कर देता है किसी थर्ड पार्टी को, वो दे देता है। एक एग्जांपल से हम इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें। मान लीजिए ए ने बी को 2000 रुपये का माल बेचा। अब यहाँ पर ए जो है वो बन गया विक्रेता यानी कि लेखक, बी जो है वो बन गया स्वीकर्ता यानी कि क्रेता व्यापारी। भविष्य में आगे चलकर ए जो है वो किसी अन्य व्यापारी से माल खरीदता है, यानी लेखक जो है वो किसी अन्य व्यापारी से माल खरीदता है और उसको पैसा ना देकर, मान लीजिए वो सी व्यापारी से माल खरीदता है, तो उसको पैसा ना देकर वो जो विपत्र स्वीकृत करके प्राप्त किया था बी से, उस विपत्र को दे देता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं एंड्रोसमेंट, यानी कि बेचान करना। ऐसी कंडीशन में एक नया पक्षकार हमारा बन जाता है, यानी कि सी, जिसे हम नाम देते हैं बेचान पात्र या फिर एंड्रोजी। और ऐसी कंडीशन में लेखक की जो स्थिति होती है वो चेंज हो जाती है, यानी अब वो बन जाता है एंड्रोजर। अगर ये सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, किसी विपत्र का बेचान किया जा चुका है और उसके बाद जो विपत्र था वो अनादरित हो गया, तो क्या किया जाए, उस कंडीशन में कौन सी जनरल एंट्री होगी, आइए देखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू एंड्रोजीज पर्सनल अकाउंट। यहाँ हमको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर बेचानकर्ता द्वारा आलोकन व्यय का भुगतान किसी कंडीशन में किया जाता है तो वो लेखक से उसको फिर प्राप्त कर लेता है। और लेखक भी क्यों देगा आलोकन व्यय, तो वो लेखक भी जो होता है वो इस विपत्र पर जो आलोकन व्यय होता है उस भुगतान को स्वीकर्ता से प्राप्त कर लेता है। घूम फिर के आलोकन व्यय जो है वो स्वीकर्ता को ही देना पड़ता है। यहाँ पर इस कंडीशन में तीन पक्षकार प्रभावित होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा, एक तो लेखक, दूसरा स्वीकर्ता और तीसरा बेचान पात्र। तो यहाँ हम जो नेक्स्ट जो एंट्री करेंगे वो हम करेंगे बेचान पात्र की पुस्तकों में। अब स्वीकर्ता की पुस्तक में इस कंडीशन में जबकि विपत्र बेचान कर दिया गया हो फिर अनादरित हुआ हो, तो यहाँ पर हम स्वीकर्ता की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि ना करके बेचान पात्र की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि करेंगे, क्योंकि स्वीकर्ता हमारा जो है वो बदल गया है। अब यहाँ हम एंट्री करेंगे ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। नोटिंग चार्जेस भी क्योंकि इसमें हमको लिखने होते हैं, तो हम साथ में बिल्स रिसीवेबल के साथ कैश की भी एंट्री यहाँ पे करते हैं। तो आइए इससे संबंधित हम कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। 1 फरवरी 2015 को नारायण ने रविंद्रन से 25,000 रुपए का उधार माल क्रय किया। रविंद्रन ने उपयुक्त राशि के लिए 30 दिन की अवधि का एक विपत्र लिखा। परिपक्वता तिथि पर नारायण ने विपत्र का अनादरण किया। निम्नवत परिस्थितियों में रविंद्रन और नारायण की पुस्तक में प्रविष्टियां कीजिए। पहला, जब रविंद्रन परिपक्वता तिथि तक विपत्र अपने पास रखता हो। दूसरा, जब रविंद्रन तत्काल 6% प्रतिवर्ष की दर से विपत्र बैंक से बुना लेता है। तीसरा, जब रविंद्रन विपत्र का अपने लेखक गणेशन को बेचान करता है और जब रविंद्रन परिपक्वता तिथि से कुछ समय पूर्व विपत्र संग्रह हेतु भेज देता है। इस प्रश्न पर हमको जो चार कंडीशन दी गई है ए बी सी डी, इसके अकॉर्डिंग हमको एंट्री करनी है, लेकिन फिर भी जो कॉमन जो एंट्री है जिसके कारण जिसको ध्यान में रखते हुए ये चार जो कंडीशन है वो हमको फॉलो करने हैं, उसकी पहले हम एंट्री कर लेंगे। जैसे कि जो नारायणन है उसने रविंद्रन से उधार माल खरीदा है, यानी कि हमको ये समझ लेना है कि रविंद्रन जो है वो विक्रेता है यानी कि लेखक है और नारायणन जो है वो क्रेता है यानी कि स्वीकर्ता है। तो लेखक के पुस्तकों में नॉर्मल जो एंट्री होती है वो हम करेंगे और एक साथ ही हम इसकी एंट्री कर देंगे। हम ये मान लेंगे कि चारों कंडीशन में कुछ एंट्रीज तो ऐसी हैं जो चारों कंडीशन में एक साथ ही होंगी। तो फर्स्ट एंट्री नारायणन डेबिट टू सेल, जब वो माल बेचेगा नारायणन को तो एंट्री करेगा नारायणन डेबिट टू सेल बिंग गुड सोल्ड टू नारायणन और 25,000 से एंट्री करेगा।
सेकंड जबकि वो बिल को पे स्वीकृति प्राप्त करेगा नारायणन से, तो वो एंट्री करेगा अपनी बुक में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नारायणन बीइंग नारायणन एक्सेप्ट रिसीव फॉर 30 डेज, 25,000 से एंट्री होगी। तो ओवरऑल अगर हम किसी भी कंडीशन को फॉलो करें ए बी सी डी, लेकिन ये जो दो एंट्री है वो हर कंडीशन में होगी, तो हम इसको ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं कॉमन एंट्रीज इन ऑल केस। और उसके बाद की जो एंट्री है वो डिपेंड करती है कंडीशन पे कि क्या कंडीशन है। जैसे फर्स्ट कंडीशन है जब रविंद्रन परिपक्वता तिथि तक विपत्र अपने पास रखता है। अब केस यहाँ पर कौन सा है, अनादरण का केस है। अनादरण के हमने एंट्रीज देखे वीडियो में कि अनादरण जब होता है तो अलग अलग कंडीशंस में एंट्री अलग अलग होती है। कई बार वो विपत्र लेखक के पास रह जाता है, कई बार वो भुना लिया गया होता है, कई बार वो बेजान कर दिया गया होता है, और कई बार वो संग्रह हेतु बैंक भेज दिया गया होता है। तो हर कंडीशन में अलग अलग एंट्री होती है। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में बताया गया है कि अनादरण हुआ विपत्र का, तो उस समय ये जो विपत्र था वो रविंद्रन के पास था, उसके पास था अगर ये विपत्र, तो उस कंडीशन में अनादरण यानी कि डिसऑनर्ड की जो एंट्री होती है वो हमको यहाँ पर पास करनी है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी नारायणन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि हमने वीडियो में देखा कि जब विपत्र जो है परिपक्वता तिथि पर जो लेखक है वो अपने पास रखता है और उस कंडीशन में विपत्र का अनादरण हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एंट्री होती है स्वीकर्ता का व्यक्तिगत खाता डेबिट प्राप्त विपत्र खाता से, है ना। तो यहाँ पर हम स्वीकर्ता जो है वो नारायणन है, तो नारायणन को हम डेबिट करेंगे और एंट्री करेंगे हम नारायणन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग नारायणन फेल टू मीट दिस एक्सेप्टेंस एंड बिल डिसऑनर्ड, 25,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद सेकेंड जो कंडीशन है जिसमें अगर रविंद्रन तत्काल 6% प्रतिवर्ष की दर से विपत्र को बैंक से भुना लेता, मान लीजिए ऐसा होता है कि वो बैंक से उस विपत्र को भुना लिया होता, तो हमने देखा कि सेकेंड कंडीशन जो होती है अनादरण की वहां पर हम बैंक से बट्टे पे भुनाने की एंट्री करते हैं, और उस कंडीशन में अगर विपत्र अनादरण हो जाता है तो दो एंट्री होगी, एक तो वो विपत्र को बैंक से भुना लेता है 1 फरवरी को, और दूसरी बात कि अब वो विपत्र अनादरित हो जा रहा है। तो सेकेंड कंडीशन में दो एंट्री होगी जिसमें फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये जो एंट्री होगी ये डिस्काउंटेड बिल बैंक से भुनाने की एंट्री होगी। तो टोटल हमारा जो बिल था वो 25,000 का था, 6% इस पे प्रतिवर्ष की दर से बट्टा लगना है, और टाइम हमने यहाँ पर देखा कि 30 डेज 1 मंथ का था ये, तो यहाँ पर हम 25,000 इंटू 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 करते हैं, तो यहाँ पर 125 जो है उसका डिस्काउंट आ जाता है। तो दोनों ही अमाउंट को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 25,000 की अमाउंट थी और उसमें अगर 125 डिस्काउंट चार्ज कर देते हैं तो बैलेंस अमाउंट जो बचती है वो हो जाएगी 24,875। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में 24,875 से हम एंट्री करेंगे और बैलेंस जो डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो डेबिट साइड में आएगी 125 से, और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट में टोटल आ जाएगा 25,000। यहाँ पर अब नरेशन हम लिखेंगे बीइंग नारायण एक्सेप्टेंस गॉट डिस्काउंटेड विद बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इसके बाद जबकि ये विपत्र जो बट्टे पर बैंक से भुना लिया गया था और उसके बाद फिर ये विपत्र डिसऑनर्ड हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमने देखा कि डिसऑनर्ड की फिर एंट्री होती है स्वीकर्ता का व्यक्तिगत खाता डेबिट बैंक खाता से। तो स्वीकर्ता कौन है यहाँ पर, नारायण, तो नारायण का अकाउंट हम डेबिट करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी नारायण डेबिट टू बैंक अकाउंट, और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे बीइंग नारायण एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड 25,000 से। तो सेकंड कंडीशन की एंट्री हो गई हमारी। अब थर्ड कंडीशन में जबकि रविंद्रन विपत्र को अपने लेनदार गणेशन को बेचान कर देता है, तो यहाँ पर भी हम दो एंट्री करेंगे, एक तो बेचान करने की एंट्री करेंगे और फिर दूसरी एंट्री जबकि बेचान की कंडीशन में वो विपत्र अनादरित हो जाता है। तो यहाँ फर्स्ट एंट्री बेचान की होगी क्योंकि गणेशन जो है बेचान पात्र है, उसको बेचान किया जा रहा है उस बिल्स रिसीवेबल को, तो लेखक के पुस्तक में फर्स्ट एंट्री होगी गणेशन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट Being Narayan's acceptance dishonored in favor of Ganeshan, 25,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और अब ये जो बेचान किया गया विपत्र था अब ये अनादरित हो जाता है, तो यहाँ पर
बेचान किए गए विपत्र के अनादरण होने पर हमने वीडियो में देखा कि जनरल एंट्री होती है हमारी स्वीकर्ता डेबिट बेचान पात्र से, तो बेचान हमने किसको किया था, गणेशन को, और स्वीकर्ता कौन है यहाँ पर, नारायणन स्वीकर्ता था, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी नारायण डेबिट टू गणेशन। और टिप्पणी यहाँ हम लिखेंगे बींग नारायण एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, तो 25,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। फोर्थ कंडीशन, जबकि रविंद्रन परिपक्वता तिथि से कुछ समय पूर्व विपत्र को संग्रह हेतु बैंक भेज देता है, तो हमने दो अलग अलग स्टेप्स देखे थे। एक स्टेप में हमने देखा कि विपत्र को संग्रह हेतु बैंक भेज देना, और एक स्टेप हमने देखा कि वो विपत्र डिसऑनर्ड हो गया जो कि संग्रह हेतु बैंक भेजा जा चुका था। तो यहाँ पर भी दो एंट्री हमारी बनेगी, एक तो विपत्र के संग्रह हेतु बैंक भेजने की, और सेकेंड वो एंट्री जब संग्रह हेतु भेजा गया विपत्र अनादृत हो गया। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर हम करेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल और 25,000 से, और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन 25,000। और सेकेंड एंट्री हम करेंगे जबकि वो बिल जो संग्रह के लिए कलेक्शन के लिए बैंक भेजा गया था वो डिसऑनर्ड हो गया, तो यहाँ पर हमारी एंट्री, क्योंकि हमने देखा वीडियो में कि यहाँ हमारी एंट्री होती है स्वीकर्ता डेबिट बैंक संग्रहार्थ खाता से, तो यहाँ स्वीकर्ता जो है वो हमारा नारायण है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी नारायण डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, और यहाँ पर नरेशन हम लिखेंगे बिंग बिल गॉट डिसऑनर्ड 25,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड, जबकि हमको स्वीकर्ता की पुस्तकों में एंट्री करनी है, तो स्वीकर्ता कौन है, यहाँ पर हमने देखा नारायण जो है वो स्वीकर्ता है, तो स्वीकर्ता जब रविंद्रन से माल खरीदेगा, उधार माल खरीदेगा, तो वो अपनी पुस्तक में जनरल एंट्री करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू रविंद्रन और 25,000 से एंट्री करेगा, और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे बेइंग गुड्स बॉट फ्रॉम रविंद्रन। सेकेंड जो एंट्री होगी वो होगी बिल जब वो स्वीकृत करके देता है रविंद्रन को, तो यहाँ पर क्योंकि हमने देखा कि स्वीकृति देने पर एंट्री होती है लेखक का व्यक्तिगत खाता डेबिट देवी पत्र खाता से, तो लेखक कौन है, रविंद्रन है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी रविंद्रन डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग रविंद्रन्स बिल्स एक्सेप्टेड और 25,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और अब 5 मार्च को, क्योंकि 3 महीने के लिए, क्योंकि 30 दिन की अवधि के लिए ये विपत्र लिखा गया था, और यहाँ पर जबकि वो बिल अनादृत हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है, तो हमने देखा था वीडियो में कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो विपत्र लेखक के पास हो, या बैंक से भुना लिया गया हो, या किसी को बेचान कर दिया गया हो, या फिर संग्रह तो बैंक भेज दिया गया, सभी कंडीशन में लेखक के यहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट एंट्री होती है, लेकिन स्वीकर्ता की पुस्तकों में एंट्री एक ही एंट्री होती है हर कंडीशन में, तो एक ही जनरल एंट्री हम सभी कंडीशंस के लिए करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रविंद्रन अकाउंट, और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे बिंग रविंद्रन्स बिल डिसऑनर्ड और 25,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। 1 नवंबर 2014 को सोनिया ने सनी पर 3 माह की समय अवधि के लिए 15,000 रुपए की राशि का एक विपत्र लिखा जिसे सनी ने स्वीकृत कर सोनिया को लौटा दिया। सोनिया ने 8% प्रतिवर्ष की दर से विपत्र को अपने बैंकर से बुनवाया। प्राप्त धनराशि का विभाजन सोनिया और सनी के मध्य 2/3 और 1/3 के अनुपात में किया गया। देय तिथि पर सोनिया ने अपेक्षित राशि सनी को भेज दी। सनी निश्चित समय पर बिल का भुगतान नहीं कर सका, जिसके परिणाम स्वरूप सोनिया ने संपूर्ण बिल का भुगतान किया। सनी द्वारा सोनिया को 100 रुपए की ब्याज राशि सहित देय धनराशि के लिए नई स्वीकृति दी तथा देय तिथि पर अपनी स्वीकृति की पूर्ति की। सनी और सोनिया के पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। इस प्रश्न में सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि लेखक कौन है, स्वीकर्ता कौन है, कौन किसके ऊपर बिल लिख रहा है, कौन स्वीकृत कर रहा है, किस तरह से धनराशि का वितरण किया जाएगा, किस अनुपात में किया जाएगा, और एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है, वहां पर किस प्रकार से बिल को बट्टे पर भुनाया गया और किस प्रकार से उसकी पेमेंट की गई, तो बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें ध्यान में रखने योग्य। फिलहाल हम पहले ये देख लेते हैं कि इसमें लेखक कौन है और स्वीकर्ता कौन है। तो क्योंकि स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सोनिया ने सनी पर 3 माह की अवधि का एक विपत्र लिखा, यानी कि लेखक जो है वो सोनिया है, ड्रॉवर है, और स्वीकर्ता जो है वो सनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जनरल एंट्री करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर सेल या परचेस की कोई बात नहीं कही गई है, तो डायरेक्ट हम स्वीकृति से इसकी एंट्री करेंगे। तो क्योंकि सोनिया जो है वो लेखक है, विपत्र वो लिखेगी और सनी से स्वीकृत होकर विपत्र को प्राप्त करेगी,
तो जब उसको विपत्र स्वीकृत होकर प्राप्त होता है स्वीकर्ता से, तो हमने देखा कि हमारी एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर अकाउंट। तो यहाँ पर एक्सेप्टर जो है वो है सनी, तो यहाँ हमारी 1 नवंबर 2014 को जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सनी, और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे बीइंग सनीज एक्सेप्टेंस रिसीव 15,000। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने ये जो बिल है उसको 8% पर एनम से बैंक से उसने बुनवा लिया, तो यहाँ पर हम 15,000 का 8% कैलकुलेट कर लेंगे। 15,000 का 8% टाइम यहाँ पर हम देख लेंगे कि 3 माह की समय अवधि का था, तो 3 महीने के लिए हम इसको इस पर डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 15,000 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, तो ये अमाउंट हमारी 300 आ जाएगी। अब क्योंकि 15,000 का टोटल बिल था और 300 हमने इसमें डिस्काउंट चला गया हमारा, तो बैलेंस जो बचा वो बचा 14,700। तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे बैलेंस अमाउंट यानी कि 14,700, डिस्काउंट के डेबिट में हम लिखेंगे 300, और टोटल 15,000 हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंकर्स एट 10% पर एनम फॉर 3 मंथ। नेक्स्ट 1 नवंबर को हम एंट्री करेंगे, जबकि 1/3 पार्ट ऑफ अमाउंट ये जो है ये रेमिटेड टू सनी यानी कि उसको भेज दिया गया, क्योंकि हमने देखा था कि केवल एक प्रस्ताव के तौर पर एक बिल लिखा गया है, किसी प्रकार का क्रय विक्रय या लेन देन से संबंधित बिल नहीं है, तो भुनाने के बाद तुरंत इसकी जो 1/3 अमाउंट है वो सनी को भेज दी गई। तो यहाँ सनी के भेजने की एंट्री यहाँ पर होगी सनी डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, और ये भी हमको ध्यान में रखना है क्योंकि 1/3 अमाउंट ही भेजा जा रहा है, तो 15,000 का 1/3 तो 5,000 हो जाएगा, और 300 का 1/3 भी हमको यहाँ पर क्योंकि डिस्काउंट के जो टोटल अमाउंट है वो 300 है, तो 1/3 हो जाएगी यहाँ पे 75, तो 5,000 जो भेजना था उसमें 75 जो है वो डिस्काउंट चला गया, यानी कि 4,925 वो कैश अकाउंट के अंतर्गत आएगी वो राशि। तो यहाँ हम कैश में लिखेंगे 4,925, डिस्काउंट में लिखेंगे 75, और सनी के अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 5,000, और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग 1/3 अमाउंट ऑफ डिस्काउंटेड बिल रेमिटेड टू सनी। अब जबकि बैलेंस जो अमाउंट है वो हमको सनी को पे करना है, तो 15,000 के बिल में 10,000 जो है वो बैलेंस अमाउंट थी, इसके पेमेंट की हम एंट्री यहाँ पर करेंगे 4 फरवरी को, सनी डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग बैलेंस अमाउंट ऑफ बिल रेमिटेड टू सनी 10,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और क्योंकि अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में कि सनी निश्चित समय पर बिल का भुगतान नहीं कर सका जिसके कारण सोनिया ने संपूर्ण बिल का भुगतान कर दिया, इस कंडीशन में जबकि संपूर्ण बिल का भुगतान सोनिया ने कर दिया, तो डिसऑनर्ड के यहाँ पर हम एंट्री करेंगे क्योंकि स्वीकर्ता के द्वारा जो स्वीकृति दी गई थी बिल के भुगतान की उस पर भुगतान प्राप्त नहीं हो सका, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ हमारी हमारा नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर्ड 15,000 से, और अब ये जो कैश है वो हम पे करेंगे बैंक को, तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहाँ हम नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू बैंक ऑन अकाउंट ऑफ डिसऑनर्ड ऑफ बिल 15,000 से। अब क्योंकि इसमें 100 रुपए जो है वो ब्याज भी देना था इस पे, तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे सनी डेबिट टू इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम सनी ऑन अकाउंट ऑफ डिसऑनर्ड ऑफ बिल, और यहाँ 100 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट जबकि फिर से इस विपत्र पे स्वीकृति प्राप्त करेंगे, क्योंकि लास्ट पॉइंट अगर हम देखें क्वेश्चन का जिसमें दिया गया है कि 100 रुपए के ब्याज राशि सहित देय धनराशि के लिए एक नई स्वीकृति दी गई तथा देय तिथि पर अपनी स्वीकृति की पूर्ति की गई, तो फिर से हम रिन्यूअल जैसा हम करते हैं वैसे फिर से हम स्वीकृति के लिए एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि हम लेखक के पुस्तक में एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी फिर से वही बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सनी यानी स्वीकर्ता के खाता से बीइंग फ्रेश एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम सनी। अब क्योंकि 100 बढ़ गया इसमें ब्याज भी जुड़ गया साथ में, तो अब जो बिल की अमाउंट है वो हो जाएगी 15,100, और जब ड्यू डेट पर ये कैश रिसीव होगा लेखक को क्योंकि रिसीव होगा ये कैश, तो रिसीव की वो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। अब जब स्वीकर्ता की पुस्तकों में हमको एंट्री करनी होगी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एंट्री करेंगे जब स्वीकर्ता विपत्र पर स्वीकृति देता है
लेखक को यानी कि सोनिया को, तो वो फर्स्ट एंट्री करेगा अपनी बुक में सोनिया डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बीइंग बिल्स पेबल एक्सेप्टेंस फॉर 3 मंथ ड्रॉन बाय सोनिया, 15,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड हमने देखा कि 1/3 पार्ट जब देते हैं ये अमाउंट स्वीकर्ता को, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सोनिया, क्योंकि कैश रिसीव हुई है 15,000 का 1/3 यानी कि 5,000, लेकिन साथ में डिस्काउंट भी था 300, तो डिस्काउंट का भी 1/3 यहाँ पर हो जाएगा 75, तो टोटल यहाँ पर कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा 4,925, डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में आएगा 75 और सोनिया अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा 5,000। और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे बीइंग 1/3 अमाउंट ऑफ डिस्काउंटेड बिल रिसीव फ्रॉम सोनिया। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बैलेंस अमाउंट थी बिल की वो रिसीव हो रही है 15,000 में, 5,000 एक बार 1/3 रिसीव हुआ, और बैलेंस जो अमाउंट है उसके लिए हम एंट्री करेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू सोनिया, सोनिया से रिसीव हो रहा है इसको 10,000, उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद अब ये जो बिल डिसऑनर्ड हो रहा है क्योंकि समय पर स्वीकर्ता ने भुगतान नहीं किया, तो डिसऑनर्ड की जो एंट्री है नॉर्मल एंट्री हम जो करते हैं वही एंट्री यहाँ पर होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सोनिया बीइंग बिल ड्रॉन बाय सोनिया डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, 15,000 टोटल इसकी अमाउंट थी। और हमने देखा कि 100 रुपीज उस पर ब्याज भी लग गया, तो ब्याज की एंट्री भी हम यहाँ पर कर लेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सोनिया बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू सोनिया, 100 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि नया विपत्र लिख दिया गया, तो नया विपत्र पर फिर से स्वीकृति दी जाएगी, नॉर्मल वही एंट्री होगी जो कि लेखक द्वारा विपत्र लिख के प्राप्त करने की, स्वीकृति प्राप्त करने की होती है, और स्वीकर्ता के पुस्तक में भी वही एंट्री की जाएगी जो कि विपत्र लिखने पर स्वीकृति देने पर जो एंट्री की जाती है, यानी कि लेखक का व्यक्तिगत खाता डेबिट देय विपत्र खाता से। तो लेखक यहाँ पर कौन है, सोनिया, तो यहाँ हम एंट्री क्या करेंगे, सोनिया डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग द सेकंड बिल एक्सेप्टेड 15,000, और उसमें 100 हम इंटरेस्ट भी प्लस कर देंगे, तो अब ये जो बिल पहले 15,000 का था अब वो बिल हो गया 15,100 का, और जब इस बिल पे पेमेंट हो जाएगा तो नॉर्मल हम पेमेंट की एंट्री करेंगे जो हम पहले भी करते थे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ हम अमाउंट जो है वो 15,100 से ही लिखेंगे, और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग सेकंड बिल मीट ऑन ड्यू डेट। राम ने अपने ऋणी श्याम पर 1 अगस्त 2008 को 5,000 रुपए का 3 माह का एक विपत्र लिखा, श्याम ने स्वीकृति देकर इसे राम को लौटा दिया। 4 अगस्त 2008 को राम ने इस विपत्र का बेचान अपने ऋण के चुकाने के लिए अपने ऋणदाता जय के पक्ष में कर दिया, देय तिथि पर विपत्र अनादृत हो गया, उक्त व्यवहारों का लेखा राम, श्याम और जय के पुस्तकों में कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले तो दो पक्षकार हैं, राम ने अपने ऋणी श्याम पर एक विपत्र लिखा है, यानी कि राम लेखक है, वो विक्रेता था, उसने माल बेचा, इसलिए उस विपत्र के, उस विक्रय के लिए उसने विपत्र लिखा, यानी वो विपत्र का लेखक है। श्याम जो है वो उस विपत्र पर स्वीकृति देता है, यानी कि वो विपत्र का स्वीकर्ता है। तो सबसे पहले जब राम जो है लेखक है उसकी पुस्तक में हम एंट्री करेंगे, तो फर्स्ट एंट्री विपत्र लिखकर स्वीकृत होकर प्राप्त होने की जो होती है नॉर्मल, हम वही एंट्री करेंगे जो कि एंट्री होती है प्राप्त विपत्र खाता डेबिट स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाता से, तो ये एंट्री हमारी हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 5,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 अगस्त 2008 को राम ने इस विपत्र का बेचान अपने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता जय के पक्ष में कर देता है। अब यहाँ पर तीसरा पक्षकार आ जाता है, जबकि जय जिसको कि विपत्र का बेचान कर दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पहला पक्षकार राम जो है लेखक जो है वो जब विपत्र का बेचान करेगा, तो बेचान करने की वो कौन सी एंट्री करेगा अपनी पुस्तक में, यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट एंट्री बेचान की हो जाएगी बेचान पात्र का व्यक्तिगत खाता डेबिट प्राप्त विपत्र खाता से, इनरोजी पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो इनरोजी कौन है यहाँ पर, जय, जो कि तीसरा पक्षकार है जिसको बेचान किया जा रहा है। हमने पार्ट वन में देखा था कि जिसको बेचान किया जाता है वो बेचान पात्र कहलाता है, और जो व्यक्ति बेचान करता है वो बेचान करता कहलाता है, तो यहाँ पर या फिर लेखक ही जनरली जो होता है वो बेचान करता होता है, तो यहाँ बेचान करता राम यानी कि लेखक है और बेचान पात्र जय है,
तो यहाँ पर लेखक के पुस्तक में यानी कि बेचानकर्ता के पुस्तक में बेचान की एंट्री हो जाएगी। इनरोजेस पर्सनल अकाउंट डेबिट यानी कि जय का यानी कि जय डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग एनरोजमेंट ऑफ बिल। और अमाउंट हम देख लेते हैं बिल कितने का था, 5000 का भी बिल था तो 5000 से हम इसकी अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर कि जय के पक्ष में क्योंकि बिल का बेचान कर दिया गया है और अब ये देय तिथि पर ये जो बिल है वो अनादरित हो जाता है, तो इस कंडीशन में जबकि बेचान किया गया बिल अनादरित हो जाता है, अनादरण की हमने अलग अलग एंट्री देखी थी, हमने देखा कि अगर वो बैंक से भुनवा ले और उसके बाद विपत्र अनादरित हो जाए तो क्या होगा। लेकिन अब हम सेकंड कंडीशन देख रहे हैं कि जब विपत्र का बेचान कर देता है लेखक और ऐसी कंडीशन में विपत्र अनादरित हो जाए तो क्या होता है। तो यहाँ पर हमने वीडियो में देखा था कि जनरल एंट्री क्या होती है, लेखक के पुस्तक में एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू इनरोजेस पर्सनल अकाउंट। तो एक्सेप्टर्स कौन है यहाँ पर, पहले एक्सेप्टर्स था श्याम, तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे श्याम डेबिट टू इनरोजी यानी कि बेचान पात्र कौन है, जय। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी श्याम डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट टू जय अकाउंट। और यहाँ नरेशन लिखेंगे बिंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय इनरोजी। हालांकि नोटिंग चार्जेस यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं दिया गया, तो हम केवल यही एंट्री करेंगे और 5000 के अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। अब दूसरा पक्षकार जो है उसकी पुस्तक में जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो कौन सी जनरल एंट्रीज हम करेंगे, तो फर्स्ट जबकि उसको हम विपत्र लिखेंगे और वो स्वीकृत करेगा, स्वीकृति देगा, तो स्वीकृति देने की दशा में एंट्री हो जाएगी लेखक का व्यक्तिगत खाता डेबिट दे विपत्र खाता से, यानी कि राम का व्यक्तिगत खाता डेबिट दे विपत्र खाता से, राम डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। सेकेंड जबकि विपत्र का बेचान हो जाता है, तो बेचान तो क्योंकि लेखक कर रहा है, स्वीकर्ता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वीकर्ता जो है उसको तो देना है पैसा, जिसको उसको ऑर्डर होगा, जिसके पास विपत्र होगा उसको वो विपत्र का बेचान कर देगा, तो फिलहाल इसकी यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन जबकि विपत्र जो है बेचान कर दिया जाता है और अब तो भुगतान की एंट्री यहाँ पर हमको करनी होगी, तो नॉर्मल जो एक स्वीकर्ता होता है वो विपत्र के भुगतान की जो एंट्री करता है बिल्कुल वही एंट्री यहाँ पर की जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा जो पक्षकार है जय, उसकी पुस्तक में हम एंट्री करेंगे, तो क्योंकि वो जय जो है वो बेचान पात्र है, उसकी पुस्तक में बेचान होने की एंट्री होगी, इनरोजेस पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट अगर नोटिंग चार्जेस होता तो, लेकिन नोटिंग चार्जेस यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो नॉर्मल हम एंट्री करेंगे इनरोजेस पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और यहाँ इनरोजी जो है वो है राम, तो यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी राम डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और 5000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे बिंग बिल डिसऑनर्ड। बेचानकर्ता के पुस्तकों में पहली जो प्रविष्टि की जाएगी जबकि जय को बेचान किया जाता है विपत्र का राम के द्वारा, तो पहली प्रविष्टि होगी इसमें बेचान पात्र के पुस्तकों में प्राप्य विपत्र खाता डेबिट बेचानकर्ता के व्यक्तिगत खाता से, यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनरोजर्स पर्सनल अकाउंट। अब इनरोजर कौन है यहाँ पर, बेचान पात्र के लिए राम बेचानकर्ता है, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। 20 अक्टूबर 2006 को ए द्वारा आहरित 24,000 रुपए का 3 माह पश्चात दे विपत्र स्वीकार करता है। ए ने इस विपत्र का बेचान सी को उसे दे 25,000 रुपए ऋण के पूर्ण भुगतान में कर दिया। देय तिथि पर विपत्र अनादरित हो गया। ए बी और सी के पुस्तकों में जनरल के लेखे यह मानकर कीजिए कि पहला कोई आलोकन व्यय नहीं हुआ, दूसरा आलोकन व्यय 500 रुपए हुए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं ए और बी। ए जो है वो लेखक है क्योंकि ए द्वारा लिखा गया है ये विपत्र, यानी कि वो विक्रेता है, और बी स्वीकर्ता है यानी कि क्रेता है, उसने उधार माल खरीदा है और ए के द्वारा लिखे गए विपत्र को वो स्वीकार करता है।
तो सबसे पहले हम ए यानी कि लेखक की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले ए जो है वो बी यानी कि स्वीकर्ता से जब विपत्र को स्वीकृत करके प्राप्त करेगा तो वो कौन सी प्रविष्टि करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस कंडीशन में जनरल एंट्री हम करते हैं प्राप्य विपत्र खाता डेबिट स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाता से, यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स अकाउंट। तो यहाँ पर एक्सेप्टर्स जो है वो बी है, तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, और 24,000 का क्रय विक्रय है तो 24,000 के विपत्र के लिए हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। सेकेंड कंडीशन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए जो है वो इस विपत्र को सी को बेचान कर देता है। इस कंडीशन में यहाँ हम देख रहे हैं कि ए जो कि बेचान कर रहा है यानी कि वो बेचान करता कहलाता है, और सी जिसे कि बेचान किया जा रहा है वो बेचान पात्र कहलाता है। बेचान की कंडीशन में, एंडोर्समेंट की कंडीशन में हमने देखा था कि लेखक जो है यानी कि बेचान करता जो है, जनरली जो लेखक होता है जिसके पास विपत्र होता है वही बेचान करता होता है, तो बेचान करता की पुस्तकों में हम प्रविष्टि करते हैं बेचान पात्र डेबिट इंड्रोजी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पर इंड्रोजी यानी कि बेचान पात्र सी है, तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और 24,000 का जो ये बिल है उसको उसके इंड्रोजमेंट की हम एंट्री यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कहा गया है कि देय तिथि पर विपत्र अनादृत हो जाता है। अब कौन सा विपत्र अनादृत हो रहा है? वो विपत्र जिसे के बेचान कर दिया गया था। किसको बेचान किया गया था? सी को। तो सी को बेचान किया गया विपत्र अब जब अनादृत हो जा रहा है तो उसके लिए हमको जनरल एंट्री करनी है, लेकिन दो अलग अलग कंडीशन में करनी है। एक जबकि आलोकन व्यय नहीं होता और दूसरा जबकि आलोकन व्यय होता है। तो जब आलोकन व्यय ना हो तो उस कंडीशन में हमने देखा कि हमारी जनरल एंट्री होती है एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू एंड्रोजिस अकाउंट। एक्सेप्टर यानी कि स्वीकर्ता कौन था यहाँ पर? बी। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे बी डेबिट टू सी। दूसरी कंडीशन जबकि आलोकन व्यय दिया गया होता है तो उस कंडीशन में हम एंट्री करेंगे, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बी डेबिट टू सी टू नोटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हम नोटिंग एक्सपेंसेस जो 500 हो रहे हैं उसको हम नोटिंग एक्सपेंसेस के क्रेडिट में लिखेंगे। सी के क्रेडिट साइड में हम जो विपत्र की राशि है 24,000 वो हम लिखेंगे, और टोटल हम बी के डेबिट में लिखेंगे 24,500। दूसरा जबकि हम ड्रॉवी यानी कि स्वीकर्ता की बुक में एंट्री करेंगे तो इस कंडीशन में स्वीकर्ता की पुस्तक में हमारी पहली एंट्री होगी लेखक डेबिट दे विपत्र खाता से, ड्रॉवर्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ड्रॉवर यहाँ पर क्योंकि ए है तो बी के बुक में यहाँ प्रॉपर एक जनरल एंट्री हो जाएगी ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। उसके बाद ये जो बिल है वो अनादृत हो जाएगा और उस पर आलोकन व्यय चुकाना होगा, तो उस कंडीशन में इसके पहले बेचान के पॉइंट्स थे, लेकिन बेचान की जो एंट्री होती है वो स्वीकर्ता क्या नहीं होती है, क्योंकि बेचान होने से स्वीकर्ता की बुक में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डायरेक्ट हम इसमें अनादरण की एंट्री करेंगे, और फर्स्ट कंडीशन जबकि अनादरण होने पर आलोकन व्यय नहीं था तो इस कंडीशन में ड्रॉवी यानी कि बी के पुस्तक में एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए, और यहाँ हम अमाउंट 24,000 के ही लिखेंगे। लेकिन सेकेंड कंडीशन में जबकि आलोकन व्यय भी 500 देने पड़े तो यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए, और बिल्स पेबल में हम 24,000 लिखेंगे, नोटिंग चार्जेस में हम यहाँ पर 500 लिखेंगे, और टोटल 24,500 को हम ए के अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट भी एक है जिसे बेचान किया गया था जो कि बेचान पात्र कहलाएगा यानी कि सी। तो सी के पुस्तकों में हम जनरल एंट्री करेंगे तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए। कब होगी एंट्री? जबकि उसको बेचान करके विपत्र प्राप्त होगा, क्योंकि जब भी बेचान किया जाता है तो बेचान पात्र जो होता है उसकी पुस्तक में हम एंट्री करते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। तो यहाँ पे ड्रॉवर कौन है? जो इंड्रोजर कौन है? जो ड्रॉवर है वही इंड्रोजर है, उसके पास ही रहता है बिल, इसलिए वही बेचान कर सकता है, इंड्रोजमेंट कर सकता है, इसलिए यहाँ पर सी की पुस्तक में हम एंट्री करते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए।
और अब जबकि अनादरण की प्रविष्टि होनी है तो यहाँ पर बेचान पात्र की पुस्तकों में दो कंडीशन में जनरल एंट्री होगी, एक तो जबकि आलोकन व्यय नहीं चुकाए गए और दूसरा जबकि आलोकन व्यय चुकाए गए। तो यहाँ पर अगर आलोकन व्यय नहीं चुकाए गए हैं तो सी यानी कि बेचान पात्र की पुस्तक में प्रविष्टि की जाएगी, ए डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल यानी कि लेखक डेबिट प्राप्य विपत्र खाता से, और दूसरी कंडीशन जबकि आलोकन व्यय 500 रुपये दिए गए तो इस कंडीशन में जनरल एंट्री की जाएगी ए डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू नोटिंग चार्जेस। जनरली हम देखते हैं कि जब नोटिंग चार्जेस पे करना होता है तो यहाँ पर हम अलग से उसके अमाउंट को लिखते हैं और फिर हम उसको बिल्स रिसीवेबल की जो अमाउंट होती है उसमें जोड़ के फिर हम उसको ड्रॉवर के अकाउंट में डालते हैं। तो यहाँ बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट 24,000 है, नोटिंग चार्जेस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 500 है, तो दोनों को जोड़ के 24,500 फिर हम एक ही अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। गोविंद ने 8,000 रुपए का माल आनंद को उधार बेचा। इस राशि के लिए 3 माह के बिल पर आनंद ने अपनी स्वीकृति दी। गोविंद ने इसे मुकुंद को बेचान किया। देय तिथि पर यह बिल अनादृत हो गया। नोटिंग व्यय 80 रुपए हुए। सभी पक्षों की बहियों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार है, गोविंद और आनंद। गोविंद ने आनंद को माल उधार बेचा, इसका अर्थ यह है कि गोविंद जो है वो विक्रेता है और आनंद क्रेता है यानी कि पाने वाला है, खरीदने वाला है। तो गोविंद जो है वो क्योंकि विक्रेता है तो वही विपत्र को लिखेगा यानी कि वो विपत्र का लेखक है, और आनंद क्योंकि माल उधार खरीदता है यानी कि वो गोविंद के द्वारा लिखे गए माल पर लिखे गए विपत्र पर स्वीकृति देगा यानी कि वो स्वीकर्ता है। तो यहाँ हम दो पक्षकारों के पुस्तक में पंजी प्रविष्टि करेंगे, एक तो गोविंद जो कि लेखक है उसकी पुस्तक में और दूसरा आनंद जो कि स्वीकर्ता है उसकी पुस्तक में हम प्रविष्टि करेंगे। तो सबसे पहले हम गोविंद यानी कि लेखक की पुस्तक में फर्स्ट एंट्री करेंगे। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में जैसा दिया गया है वैसे ही हम एंट्री करते चलेंगे। फर्स्ट टॉपिक में हम देख रहे हैं कि गोविंद ने 8,000 रुपए का माल आनंद को उधार बेचा, तो हम बेचने की एंट्री सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी हमारी आनंद डेबिट टू सेल और 8,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद इस राशि के लिए 3 माह के बिल पर आनंद ने अपनी स्वीकृति दी, तो विपत्र पे स्वीकृत होने होकर प्राप्त होने की जो एंट्री होती है लेखक की पुस्तक में वो होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट। तो क्योंकि एक्सेप्टर्स जो है वहाँ यहाँ आनंद है तो यहाँ पर गोविंद की बुक में जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट। नेक्स्ट जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गोविंद ने इसे मुकुंद को बेचान कर दिया, एनरोजमेंट की एंट्री हम करेंगे नेक्स्ट गोविंद यानी कि लेखक की पुस्तक में। अब क्योंकि लेखक यानी गोविंद ने ही बेचान किया है तो वो बेचान पात्र कहलाएगा, एनरोजर कहलाएगा, और किसको बेचान किया गया है, मुकुंद को। तो मुकुंद कौन कहलाएगा, बेचान पात्र यानी कि इंड्रोजी कहलाएगा। और इस कंडीशन में जबकि इंड्रोजमेंट होता है बेचान होता है तो यहाँ पर गोविंद की पुस्तक में जनरल एंट्री होगी मुकुंद डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बेचान जब हम करते हैं तो बेचान की कंडीशन में लेखक की पुस्तक में जनरल एंट्री होती है इंड्रोजेस पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और नरेशन यहाँ पर हम लिखते हैं बींग इंड्रोजमेंट ऑफ बिल। तो यहाँ पर हम इंड्रोजमेंट की एंट्री करेंगे थर्ड एंट्री। और उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि देय तिथि पर यह बिल अनादृत हो गया, तो कौन सा बिल अनादृत हो गया, वो बिल अनादृत हुआ जो कि इंड्रोजमेंट जिसका हो गया था, बेचान जिसका हो गया था। तो अगर बेचान किया गया बिल अनादृत हो जाता है तो हमने जैसे कि वीडियो में देखा इस कंडीशन में हम यहाँ पर एंट्री करते हैं एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू इंड्रोजेस पर्सनल अकाउंट टू नोटिंग एक्सपेंसेस, अगर नोटिंग एक्सपेंसेस हैं तो। अब क्योंकि क्वेश्चन में नोटिंग एक्सपेंसेस दिए गए हैं तो फिर हम उसकी एंट्री यहां पर करेंगे। तो यहां हम जनरल एंट्री करेंगे क्योंकि आनंद जो है वो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर्स अकाउंट डेबिट होता है, तो यहां हम जनरल एंट्री करेंगे आनंद डेबिट टू मुकुंद जो कि बेचान पात्र है इंड्रोजी है, टू मुकुंद टू नोटिंग एक्सपेंसेस, और टू मुकुंद के अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम विपत्र की राशि लिखेंगे जो कि 8,000 की है,
नोटिंग एक्सपेंसेस हम यहाँ पे देख रहे हैं 80 रुपीज दिया गया है, तो 80 रुपीज हम नोटिंग एक्सपेंसेस में लिखेंगे और टोटल जो 8080 है वो हम आनंद के अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। अब सेकेंड कंडीशन, जब हमको आनंद की पुस्तक में एंट्री करनी है, आनंद यानी कि स्वीकर्ता की बुक में जब हमको प्रविष्टि करनी है, तो इस कंडीशन में स्वीकर्ता सबसे पहले माल को उधार खरीदने की एंट्री करेगा, तो इसकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट, और उसके बाद जो गोविंद जो है वो बिल पर अपनी स्वीकृति देगा, तो सेकेंड एंट्री यहाँ पर हो जाएगी गोविंद डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और उसके बाद जब अनादरण हो जाएगा इस विपत्र का, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि एक तो बेचान किया गया है, बिल था अनादरित हो गया, तो इस कंडीशन में आनंद के यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट, और बिल्स पेबल के डेबिट साइड में हम 8000 लिखेंगे, नोटिंग एक्सपेंसेस में डेबिट साइड में हम 80 रुपीज लिखेंगे, और गोविंद के अकाउंट के डेबिट में हम 8080 रुपीज लिखेंगे। थर्ड जो पार्टी है वो मुकुंद है, तो मुकुंद जो कि बेचान पात्र है, एंड्रोजी है, जब उसको विपत्र का बेचान किया जाएगा तो उस कंडीशन में जनरल एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गोविंद यानी कि ड्रॉवर अकाउंट, तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गोविंद, और 8000 से हम इसकी एंट्री करेंगे, और जब इस विपत्र का इंड्रोज में और जब इस विपत्र का डिसऑनर्ड हो जाएगा, अनादरण हो जाएगा, तो इस कंडीशन में यहाँ हम एंट्री करते हैं ड्रॉविज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू नोटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, अगर नोटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया गया है तो क्योंकि एक्सेप्टर यहाँ पर है गोविंद, तो यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी गोविंद डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू नोटिंग एक्सपेंसेस। बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में हम 8000 लिखेंगे, नोटिंग एक्सपेंसेस हम 80 रुपीज लिखेंगे, और गोविंद अकाउंट के डेबिट साइड में हम 8080 रुपीज लिखेंगे।